Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना 9th chapter start करते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड. देखिए मोस्टली हम जो है अपनी वेजिटेशन पिछले चैप्टर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं कि वर्ल्ड के किस इस पार्ट में किस किस टाइप की जो वेजिटेशन पाई जाती है. तो उसमें हम अपने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के टाइप्स भी कवर कर चुके हैं. इसके साथ साथ अपने ग्रासलैंड्स जो पाए जाते हैं वो भी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने मेन टू टाइप्स के आपको ग्रासलैंड्स करवाए हैं, जिसमें हमारे जो हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं, जो टेम्परेट ग्रासलैंड हमारे वो ग्रास टेम्परेट रीजन के अंदर पाए जाते हैं. और इसके साथ साथ हम अब जो डेजर्ट एरिया में पाई जाने वाली जो शब्स वगैरह पाई जाती है वो भी हम कवर कर चुके हैं. लेकिन आज हम बात करते हैं जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर किस तरह की लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है, किस तरह की का जो है लोग वहाँ पर रहते हैं और किस तरीके की एग्रीकल्चर वो करते हैं, किस तरीके का व्यवसाय करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे. तो मेनली हम बात करते हैं जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड है. तो देखिए मेनली मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे टेम्परेट रीजन कौन सा होता है. तो देखिए जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के बीच से आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है. तो इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ये हमारे कौन सा एरिया है, ये हमारा ट्रॉपिक वाला एरिया है, यानी ट्रॉपिक्स जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है. लेकिन इससे ऊपर जो हमारा एरिया पाया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो एरिया पाया जाता है ये हमारा टेम्परेट एरिया है. इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा टेम्परेट एरिया है, यानी जो हमारे ट्रॉपिक्स के दोनों तरफ पाया जाता है ये एरिया और ये एरिया, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा टेम्परेट एरिया कहलाता है. और इसी के अंदर जो उगने वाले टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं और उसके अंदर कैसी लाइफ है उसके बारे में ही आज हम जानेंगे कि उस वहाँ पर किस तरह के जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं, किस तरीके के एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं और किस तरीके से जो है लोग वहाँ पर अपना जो लाइफ जो है लाइवलीहुड जो है वो अर्न करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो देखिए मैंने मेन बताया था कि जो फॉरेस्ट का किसको बोलते हैं हम, जहाँ पर ट्री जो है वो मेन वेजिटेशन के रूप में पाए जाते हैं, जहाँ पर मेनली ट्रीज पाए जाते हैं उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं. तो ग्रासलैंड किसको बोलेंगे, जहाँ पर मेन डोमिनेंट जो प्लांट होगा वो ग्रासेस होंगे. जहाँ पर मोस्टली सब जगह आपको ग्रासेस दिखेंगे वहाँ पर आपको ट्रीज इतने नहीं मिलेंगे, ओनली ग्रासेस ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए उसको ग्रासलैंड बोला जाता है. तो देखिए जो हमारे ग्रासलैंड होते हैं ना वो हमारी अर्थ का 1/4 हिस्सा कवर करते हैं. ये देखिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ का जो लैंड वाला पार्ट है. देखिए इसमें जो है 3 पार्ट्स पर आपको जो ओशियन मिलेगा. तो ये देखिए ये जो हमारी लैंड का ये वाला जो आपको का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप जो है इसके 4 हिस्से कर दिए जाए तो 1 हिस्से पर हमें क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे. तो ये देखिए 1/4 मतलब 1/4, यानी 4 में से 1 हिस्सा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मतलब ग्रासलैंड से कवर्ड है. अब देखिए जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर किस तरीके का पाया जाता है. देखिए यहाँ पर जो क्लाइमेट जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है. अब देखिए यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स हैं वो मोस्टली 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, एक तो हमारे जो टेम्परेट के अंदर पाए जाते हैं और दूसरे हमारे ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं. लेकिन हम इस लेसन में किसके बारे में बात करेंगे, हम टेम्परेट रीजन के अंदर जो पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ना कि ट्रॉपिकल के बारे में, क्योंकि ट्रॉपिकल का जो है ट्रॉपिकल का हम पिछले लेसन में कवर कर चुके हैं कुछ एक हिस्सा कि उसके अंदर किस तरीके के फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं. तो देखिए मेनली हमारे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है आज हम लेसन में डिस्कस करेंगे, मेनली हमारे प्रेरीज और वेल्ड्स के बारे में बात करेंगे. देखिए प्रेरीज भी एक तरीके के ग्रासलैंड्स हैं और वेल्ड्स भी एक तरीके के ग्रासलैंड्स हैं. फ़र्क इतना है कि ये नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मिलते हैं और ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मिलते हैं, और इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो हम जो है इसके अंदर देखेंगे. तो देखिए प्रेरीज़ के अंदर भी हम क्या चीज़ देखेंगे, प्रेरीज़ के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा मिलता है, इसके साथ साथ वहाँ पर फ्लोरा और फ्योना जो हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं, फ्लोरा मतलब फूल प्लांट्स, उसके साथ साथ फ्योना मतलब एनिमल्स, और वहाँ पर पीपल जो लोग हैं वो, उन सब के बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. तो देखिए प्रेरीज़ के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो पाए जाते हैं उनको प्रेरीज़ बोलते हैं. ओके अभी नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है. तो इसके अंदर ये
ये जो आपको ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है अलग से, जो लाइट से कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारे प्रेरीज हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये बीच में आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये ऊपर कनाडा है और नीचे जो है ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, ये दो कंट्री हैं, कनाडा और यूएस। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के अंदर पाया जाता है। और ये देखिए कॉन्टिनेंट के बिल्कुल अंदर है, ये देखिए अंदर वाले हिस्से में, कोस्टल रीजन में नहीं है ये, कोस्ट वाला एरिया है सी के पास, ये बिल्कुल अंदर है, बिल्कुल कॉन्टिनेंट के बीचों बीच, यानी कॉन्टिनेंट के हार्ट के अंदर है ये। तो देखिए यहाँ की लैंड जो है ये थोड़ी फ्लैट भी होती है, कहीं कहीं पर जेंटली स्लोपिंग, जेंटली स्लोपिंग ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से जेंटली स्लोपिंग, थोड़ा सा हिली लैंड भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तीनों का मिक्सचर मिलेगा। तो देखिए यहाँ का मोस्टली पार्ट जो है ट्रीलेस है, यहाँ पर ज़्यादा आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर थोड़े लो लाइंग प्लेन्स मिलेंगे, इसके साथ साथ रिवर वैलीज यहाँ पर मिल सकती हैं, जो रिवर फॉलो, जहाँ से रिवर फॉलो करती है ये, इसके साथ जो जो है आपको थोड़े से रिवर के साथ साथ थोड़े से आपको वुड लैंड वगैरह, मतलब जो भी थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, जो जहाँ पर रिवर मेनली मिलती है, जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको वाटर मिलेगा, तो वहाँ पर थोड़े बहुत आपको जो ट्रीज वगैरह वो मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर फुल्ली क्या मिलेंगे, ग्रास लैंड्स मिलेंगे। देखिए यहाँ की ग्रास जो है वो काफ़ी टाल होती है, 2 मीटर तक, ये जो है 2 मीटर की हाइट तक होती है। देखिए इसके अंदर जो है इसको क्या बोला जाता है, सी ऑफ ग्रास। देखिए जैसे आप वाटर, वाटर का जो वाटर से क्या बनता है, सी बनता है, पूरा का पूरा जो विशाल, जहाँ पर पूरा का पूरा दूर दूर तक आपको वाटर ही वाटर दिखाई दे, कुछ और ना दिखाई दे, तो उसको सी या ओशियन बोलते हैं। ऐसे ही इसको दूर दूर तक आपको क्या दिखेंगी, ग्रासेस दिखेंगी, इसलिए उसको सी ऑफ ग्रासेस बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए आप दूर दूर तक देखते हैं, यहाँ पर ग्रासेस ही ग्रासेस आपको दिखती हैं, तो इसलिए इसको सी ऑफ ग्रासेस बोलते हैं, सी ऑफ ग्रास। तो अब देखिए ये जो है बाउंड किया गया है किसके द्वारा, रॉकी माउंटेन्स के द्वारा। देखिए इसके वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स हैं और इसके नॉर्थ में क्या है, ग्रेट लेक्स हैं। देखिए ग्रेट लेक्स भी मैंने आपको दिखाए हुए हैं और ये जो माउंटेन्स हैं वो भी मैंने आपको दिखाई हुए हैं, फिर भी देख लीजिए। ये देखिए इसके जो वेस्ट में, ये देखिए वेस्ट में आपको रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे, इसके जो नॉर्थ में, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, ये देखिए ये ग्रेट लेक्स हैं, ये 5 लेक्स जो आपको दिखाई दे रही हैं ग्रेट लेक्स कहलाती हैं, ये 5 लेक्स हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई हैं, ये वाटर वाला जो येलो आपको लाइट ब्लू में जो कलर दिखाई दे रहा है ये लेक्स है, ये 5 लेक्स, तो ये आपके ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक है। तो देखिए ये मोस्टली कवर करती हैं यूनाइटेड स्टेट, जो हमारा कंट्री है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और कनाडा है, उसके जो है कुछ पार्ट कवर करती हैं। देखिए इसके साथ साथ जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, यूएसए के अंदर जो है मिसिसिपी रिवर जो है वो फॉलो करती है, जो इसको ड्रेन करती है, मतलब वाटर जो है इन ग्रासलैंड को यहाँ से मिलता है। इसके साथ साथ जो कनाडा के अंदर है वहाँ पर हमारी कौन सी रिवर, सस्काचेवान रिवर जो है वो वहाँ पर मिलती है। देखिए ये भी आप मैप के अंदर देख लीजिए, ये जो आपको रिवर दिखाई दे रही है, ये देखिए ये आपको जो है इस तरीके से ये रिवर दिखाई गई है, ये नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये सस्काचान रिवर है। और मिसिसिपी रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर ये जो आपको यहाँ पर ये फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर जाकर गिर जाती है, ये जो है मिसिसिपी रिवर जो हमारे यूएसए के अंदर है, और ये सास्कान रिवर ये कहाँ पर है, ये कनाडा के अंदर है, ये बीच में जो आप ब्लैक वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये दोनों को अलग करती है, कनाडा ऊपर और यूएसए नीचे। तो देखिए जो ये मेन जो प्रेरीज ग्रासलैंड है यहाँ पर जो है, यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन जो रहते थे उनको रेड इंडियन बोला जाता था, मतलब इन ग्रासलैंड्स के अंदर जो पीपल रहते थे उनको जो है रेड इंडियंस बोला जाता था, तो मोस्टली जो है वो इसी के अंदर रहते थे। इनमें जो है मेन ट्राइब्स जो हैं, दूसरी और ट्राइब भी यहाँ पर मिलती थी, जिसके अंदर उन ट्राइब्स के नाम देखिए, अपाचे, क्रो, क्री और पावनी। देखिए ये कुछ ट्राइब्स के नाम जो है आप अच्छे से इनको याद रखिए, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार जो आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह की जो ट्राइब्स है ये जो है कौन से एरिया में मिलती है, या आपको जो है वेल्ड का ऑप्शन दे दिया जाता है, प्रेरीज का ऑप्शन दे दिया जाता है, स्वाना के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि ये किस तरीके के जो है ग्रासलैंड्स में आपको मिलते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं हमारे, एक तो रेड इंडियंस बोलते हैं इनको, यहाँ पर जो ट्राइब्स मिलते हैं उनको रेड इंडियंस बोला जाता था, इसके साथ साथ दूसरी ट्राइब है वहाँ पर अपाची है, क्रो है और क्री है, और उसके साथ पावनी है। अब हम आगे बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में कि यहाँ पर कैसा क्लाइमेट पाया जाता है। देखिए
ये बिल्कुल कॉन्टिनेंट के हार्ट में लोकेटेड है। देखिए मैंने बताया था हार्ट में, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, इससे जैसे पूरा नॉर्थ अमेरिका उसके बीच में ये जो है लोकेटेड है। तो यहाँ पर जो है ये कॉन्टिनेंटल टाइप का जो है क्लाइमेट मिलेगा, कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट, मतलब यहाँ पर ना तो सी का जो इफेक्ट होगा ज़्यादा, और मतलब माउंटेन्स वगैरह का इतना कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो है क्लाइमेट कॉन्टिनेंट के टाइप का मिलेगा बिल्कुल, मतलब अंदर की तरफ, जैसे जैसे इधर से अगर वाटर कैरी करके जो है विंड्स वगैरह जाती हैं तो यहाँ पर जाने से पहले पूरी खाली हो जाती है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो पाता। तो अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम मतलब गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाता है, सर्दियों में ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। अब देखिए विंटर्स के अंदर तो ये टेम्परेचर जो है बिल्कुल माइनस में पहुंच जाता है, देखिए 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, तो -20 पर क्या होगा, -20 पर तो यहाँ पर बिल्कुल ही बर्फ की सीट्स जम जाती हैं, जो हमारी आइस होती है उसकी सीट्स जम जाती है। और गर्मियों में टेम्परेचर देखिए, गर्मियों में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये देखिए ये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। 20 नेगेटिव में चला जाए और 20 पॉजिटिव चला जाए, तो देखिए तो समर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस है और विंटर के अंदर -20 डिग्री सेल्सियस है। देखिए विंटर के अंदर यहाँ पर थिक थिक ब्लैंकेट ऑफ, पूरी मोटी बर्फ़ की चादर जो है वो बिछ जाती है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर मॉडरेट ही होता है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता, और जिस टाइम पर रेनफॉल होता है उसी टाइम पर यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत जो ग्रास वगैरह उग जाती है। यहाँ पर एक विंड बहती है जो गर्म विंड होती है, लोकल विंड होती है, उसको चिनुक बोलते हैं। ये विंड जो है मोस्टली जो है हमारी हॉट विंड होती है और विंटर के टाइम पर बहती है, और जब ये विंटर के टाइम पर बहती है तो यहाँ पर जो ये वाली जो थिक स्नो जमी हुई है वो क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है जब ये टेम्परेचर को बढ़ा जाती है, क्योंकि ये गर्म है और देखिए स्नो हमारी क्या होती है, ठंडी होती है, तो ये क्या करती है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर एंड मेल्ट द स्नो, स्नो मेल्ट हो जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर पास्चर्स, पास्चर मतलब चारागाह, यानी यहाँ पर एनिमल्स के लिए चरने के लिए जो है काफ़ी अच्छा जो है चरागाह बन जाएगा, और वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से चराई जो है वो की जा सकती है, यानी एनिमल्स जो है उस टाइम पर काफ़ी अच्छे से वहाँ पर ग्रेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फ्योना के बारे में, यहाँ पर किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं और किस तरीके के जो है यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ट्री लेस है, बताया ना कि यहाँ पर जो ग्रास पाई जाती है, ट्री नहीं मिलेंगे। देखिए ट्री जो है अगर मिलेंगे तो वो जहाँ पर पानी होगा यानी रिवर के साथ साथ वहाँ पर जो आपको मिल सकते हैं, जैसे विलो, एल्डर्स और पॉपुलर ट्रीज, इस तरीके के ट्रीज़ ही वहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर रेनफॉल जो है वो मोस्टली 50 जो सेंटीमीटर है उतने तक ही होती है, और जो कि फार्मिंग के लिए ठीक होती है, मतलब ठीक ठीक हो जाती है कि यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत जो है खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, ये 50 सेंटीमीटर तक ही यहाँ पर बारिश होती है। अब देखिए यहाँ पर मेजर जो क्रॉप, जो ज़्यादातर क्रॉप उगाई जाती है वो कौन सी होती है, मैज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन और अल्फा अल्फा नाम की जो फसल होती है वो उगाई जाती है। देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्फा अल्फा क्या है, तो ये एक तरीके की क्रॉप है जो प्रेरीज के अंदर उगाई जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जहाँ पर रेनफॉल, जहाँ पर जो है बिल्कुल ही कम रेनफॉल होता है वहाँ पर ग्रासेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और काफ़ी जो है मतलब स्पार्स होती है, कहीं जो बिखरी बिखरी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर भी ग्रास, वहाँ पर जो है अच्छी रेनफॉल नहीं होती, जहाँ पर अच्छी जो है फसल नहीं होती, क्रॉप नहीं होती। तो देखिए वो जो है किसके लिए अच्छी मानी जाती है, वो कैटल रियरिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, मतलब जहाँ पर जो है रेनफॉल ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा, तो वहाँ पर छोटे मोटे ग्रास ही उग पाएंगे, छोटी ग्रास उग पाएगी जो कैटल रियरिंग के लिए, कैटल मतलब हमारी जो पशु वगैरह होते हैं उनके लिए अच्छी मानी जाती है कि वो वहाँ पर अच्छे से अपना चारागाह के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए लार्ज कैटल जो है, लार्ज कैटल फार्म कॉल्ड रेंचोज, यानी जो कैटल रियरिंग करते हैं जो लोग, देखिए वहाँ पर फसल जो है जिस टाइम पर बारिश होगी उस टाइम पर जो है अच्छे से उगा पाई उगा उग सकती है, लेकिन जहाँ जिस टाइम पर जो है बिल्कुल जिस जगह पर बिल्कुल ही कम रेनफॉल होगा वहाँ के लोग क्या करेंगे, कैटल रियरिंग करेंगे, पशुओं का पालन करेंगे। अब वो कैटल रियरिंग करेंगे तो वहाँ पर देखिए उसको क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े फार्म जो वो रखते हैं जहाँ पर बहुत सारे, जैसे यहाँ पर हम डेयरी वगैरह बोल देते हैं, काफ़ी सारी गायें वगैरह भैंसे वगैरह रखते हैं और डेयरी वगैरह बोल देते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ पर क्या होते हैं काफ़ी सारे जो पशु होते हैं उनको एक जगह पर रखा जाता है, उनको मतलब लार्ज कैटल फार्म बोला जाता है और उनको रेंचोज भी बोला जाता है। देखिए उनका रेंचो बोला जाता है, रेंचो, और इसको जो इनकी जो देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, काउबॉय बोलते हैं, मतलब जो ये लार्ज फार्म होते हैं उनकी लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए जिस इंसान को रखा जाता है, जिस मैन को रखा जाता है, उसको काउबॉय बोला जाता है।
यहाँ पर मोस्टली जो है एक बाइसन है, अमेरिकन बुफेलो बोलते हैं जिसको, अमेरिकन भैंसा, तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एनिमल है। तो वो जो है अब जो है काफ़ी मतलब एक्सटिंक्ट भी हो चुका है, मतलब काफ़ी जो है एक्सटिंक्ट होने की कगार पर, एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल विलुप्त होने वाला है, यानी उनकी जो है मतलब प्रजाति ख़त्म होने वाली है। इसलिए इसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ के रूप में अब घोषित कर दिया गया है कि यानी उसको जो है अब कोई भी हंट नहीं कर सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो इस तरीके से उसको प्रोटेक्टेड जो स्पीसी है वो मान लिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर रैबिट मिलते हैं, कोयोट्स मिलते हैं, गोफर्स मिलते हैं, प्रेरी डॉग होता है वो यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए ये आप देख सकते हैं, ये जो फार्म वगैरह को रखता है जहाँ पर ग्रेजिंग वगैरह की जाती है, ग्रेजिंग वगैरह करते हैं। तो ये देखिए जो इंसान है इसको काउबॉय बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल कम जो है बारिश होती है, तो देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी ग्रास होती है जो कि पास्चर्स के रूप में यूज़ की जाती है, मतलब अपने जो कैटल्स वगैरह होती है, जो अपने जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं उनको, पालतू जानवर होते हैं उनको चराने के लिए काफ़ी अच्छी चारागाह है। ये देखिए आप, ये प्रेरी डॉग है, ये आप देख सकते हैं, ये अमेरिकन जो भैंसा है या अमेरिकन बाइसन भी बोल सकते हैं इसको, ये अमेरिकन बुफेलो है। उसके बाद देखिए यहाँ के पीपल के बारे में देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ये जो है उसको मतलब अपने जो ग्रास वगैरह होती है या फसलें वगैरह होते हैं उसके लिए, उसको उगाने के लिए टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए इनके पास मेथड ऑफ कल्टीवेशन भी काफ़ी साइंटिफिक होते हैं, साइंटिफिक मतलब काफ़ी ज़्यादा मशीनों का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइंस, ये सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फार्म होते हैं ना, यहाँ पर जो खेत होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा विशाल होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। हमारे इंडिया की तरह नहीं होते किसी के पास जो 1 हेक्टेयर है, किसी का 2 हेक्टेयर है। यहाँ पर जो लोगों के पास जो है 150 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर या 300 हेक्टेयर इतने तक के जो है फार्म होते हैं। अब उनके ऊपर जो है इंसान हाथों से काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पर जो है मोस्टली किसका, मशीनों का यूज़ किया जाएगा। मोस्टली वहाँ पर जो है एरोप्लेन या हवाई जहाज वगैरह का, और हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज़ किया जाता है वहाँ पर स्प्रे वगैरह करने के लिए। क्योंकि 130 जो एकड़, अगर मान लिया 200 या 300 एकड़ तक अगर आपके आपके पास कोई लैंड है या ज़मीन है, तो उसके आप टेक केयर कैसे करोगे? मोस्टली जो है कैमराज यानी सैटेलाइट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, अगर अपने अपने फार्म पर देखना है कि आपके ये वाले खेत की क्या हालत है, यहाँ पर देखना है अगर कोई पेस्ट अटैक होता है, यानी कोई कीटनाशक अगर आपने छिड़कना है, पेस्टिसाइड अगर छिड़कना है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं, जो क्रॉपिंग होती है, एग्रीकल्चर होती है, वो काफ़ी बड़े स्केल पर करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, देखिए यहाँ पर जो है इसलिए इसको सरप्लस फूड प्रोड्यूसर बोला जाता है। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फूड प्रोड्यूस किया जाता है, और मेनली क्या प्रोड्यूस किया जाता है, वीट मतलब गेहूं। और इसको क्या बोला जाता है, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। प्रेरीज को क्या बोला जाता है, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रेन उगाए जाते हैं, वीट उगाया जाता है, और वो भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, इतनी ज़्यादा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जो है प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के धन के मतलब जो धान्य होता है, जो अनाज होता है, उसके भंडार बोला जाता है इसको। तो देखिए यहाँ के लोग जो है डेयरी फार्मिंग वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर जो लोग कैटल रियरिंग करेंगे वहाँ पर हमारे जो है डेयरी फार्मिंग वगैरह होगी, तो क्योंकि वहाँ पर जो है वो उनका मिल्क वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके साथ साथ जो उनकी हार्ड वगैरह मतलब जो भी खाल वगैरह है उसका यूज़ करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा बनाते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो है काफ़ी सारे मिनरल्स डिपॉजिट भी मिलते हैं, जैसे कोल और आयरन, ये भी यहाँ पर मिलते हैं, तो इनको भी लोग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इस वजह से यहाँ ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया भी है, मतलब इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी। अगर देखिए यहाँ पर कोयला ज़्यादा होगा, कोल ज़्यादा होगा, आयरन ज़्यादा होगा, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो मोस्टली इसी एरिया के अंदर होंगी, और एक तरीके से प्लेन एरिया भी आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ जो क्रॉप आपको मिल रही है, वीट जो आपको मिल रही है, उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ अगर लगानी है, तो उससे रिलेटेड भी जो है आपको मोस्टली जो है इसी एरिया के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है आपको मिलेंगी। तो इसलिए इसको मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन भी बोला जाता है। अब देखिए इसके जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है अमेरिका की, वो आप देख सकते हैं, ये शिकागो, ये आप देख सकते हैं आगे मिनियापोलिस, इंडियनपोलिस और कैनास और देनवियार, ये इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है वो अमेरिका की हैं। इनको आप मैप के अंदर देख सकते हैं इनकी लोकेशन, तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगी। और ऐसे ही कनाडा के जो हैं कुछ एक सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, विनीपेंग वगैरह, तो ये सारी की सारी आप जो है
अपनी जो है मैप के अंदर देख सकते हैं, या नहीं देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये हमें जो है मोस्टली इंडिया के बारे में अगर हम ज़्यादा अच्छे से डीपली से अगर सिटीज़ वगैरह के बारे में पता हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमसे एग्ज़ाम में मोस्टली जो है दूसरे देश की कंट्रीज़ के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अपने देश की सिटीज़ है उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, बजाय कि दूसरी कंट्री के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ है। तो आप इंडिया के अंदर ज़्यादा फोकस कीजिए, ये इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिए। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे प्रेरीज जो हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर पाए जाने वाले जो हैं क्या थे, ग्रासलैंड्स थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं वेल्ड्स के बारे में। देखिए वेल्ड्स हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं और ये भी हमारे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में, फिर कैसा फ्लोरा और फ्योना वहाँ पर मिलता है, और पीपल जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वेल्ड्स की बात करें तो ये देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर मिलते हैं। साउथ अफ्रीका, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये साउथ अफ्रीका है। इसके अंदर इसके देखिए इधर ईस्ट पार्ट में ये जो है दक्षिणबर्ग जो माउंटेन रेंज है वो है, और इसके साइड में इधर जो है कालाहारी डेजर्ट है, तो इसके बीच में पाए जाते हैं ये। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो देखिए ये हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड जो है साउथ अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है मोस्टली कितनी हाइट पर मिलते हैं, ये देखिए 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक के जो ऊंचे हैं ना, यहाँ पर प्लेट्यूज़ मिलते हैं, रोलिंग प्लेट्यूज़ मिलते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ये ग्रेज करते हैं, मतलब इन प्लेट्यूज़ के ऊपर ही इतनी ऊंचाई पर मिलते हैं जो उन्हीं के ऊपर ये जो है हमारे वेल्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। देखिए इसके ईस्ट में मैंने बताया, इसके ईस्ट में जो है ड्रैकनबर्ग्स जो है माउंटेन रेंज मिलती है, माउंटेन्स मिलते हैं ड्रैकनबर्ग्स, और इसके वेस्ट में जो है कालाहारी डेजर्ट मैंने बताया, इधर कालाहारी डेजर्ट था और इधर डेकन्सबर्ग जो हमारे माउंटेन्स हैं वो है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है रिवर जो फॉलो करती हैं वो ऑरेंज और लिम्पोपो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको लिम्पोपो रिवर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो है ये रिवर आपको ऑरेंज रिवर दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैप में आप देख सकते हो, ये देखिए लिम्पोपो रिवर, और ये जो है ब्लू में जो आपको दिखाई दे रही है लिम्पोपो रिवर, और ये ऑरेंज रिवर जो है दिखाई दे रही है। तो देखिए वेल्ड जो है, वेल्ड नाम किसके द्वारा दिया गया था, देखिए वेल्ड जो है वो डच के द्वारा नाम दिया गया था। ये वैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद भी रख सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो वेल्ड नाम दिया गया था इनको, ये डच के द्वारा दिया गया था। डच कौन है, डच देखिए यूरोप के अंदर जो है, यूरोप जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर नीदरलैंड का एक जो है, नीदरलैंड नाम का एक कंट्री है, वहाँ से जो लोग आए थे उनको डच बोलते हैं। वहाँ से लोग जो है यहाँ पर आए थे उनको हम डच बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आए थे उन्होंने इसका नाम जो है वेल्ड दिया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटेन से जो लोग आए थे उनको जो है हम मतलब ब्रिटिश बोलते थे, तो ऐसे ही ये लोग जो हैं डच लोग ये साउथ अफ्रीका के अंदर आए थे, इन्होंने जो है उसका नाम वेल्ड दिया था। तो देखिए अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, माइल्ड होता है। माइल्ड मतलब बिल्कुल मध्यम सा, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ऐसा टेम्परेचर होता है। वो किसकी वजह से, वो जो है इंडियन ओशन की इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, क्योंकि साइड में देखेंगे आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था यहाँ पर साउथ अफ्रीका था, तो इसके साथ वाला जो आपको इधर दिखाई दे रहा था ये इंडियन ओशन था। ये देखिए ये इंडियन ओशन आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ में लगता है ये, तो इसलिए इसके ऊपर ओशन का इफेक्ट आ जाता है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड रहता है। विंटर थोड़ी कोल्ड होती हैं और ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं, मतलब यहाँ पर जो है जो रेनी सीज़न है वो समर के अंदर ही आता है, विंटर के अंदर नहीं आता। यहाँ का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, देखिए 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, और जुलाई यहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ होता है। आप देखिए इंडिया के अंदर जुलाई क्या होता है, जुलाई के अंदर क्या होती है, गर्मी होती है, मतलब रेनी सीज़न होता है, और यहाँ पर क्या बोला है इनकी जुलाई के अंदर क्या होती है, विंटर। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने अपनी जो अर्थ की रिवोल्यूशन और रोटेशन बताई थी, हमारा इंडिया किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जो अफ्रीका है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो देखिए जब यहाँ पर गर्मी होती है, जब यहाँ पर सन होता है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ठंड होगी, विंटर होगी। ये मैंने उल्टा बताया था, ये चीज़ बताई थी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर हो रही है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी, विंटर होगी। तो वही चीज़ है कि जुलाई में हमारे यहाँ पर रेनी सीजन है, मतलब समर है उस टाइम पर, तो इस टाइम पर यहाँ पर क्या हो रही है, विंटर, यानी कोल्डेस्ट मंथ आया। तो देखिए समर आर शॉर्ट एंड वॉर्म, यहाँ पर समर क्या होती है, गर्म होती है और शॉर्ट होती है। जो जोहान्सबर्ग जो है वहाँ का अगर टेम्परेचर नोट किया जाए, वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, 20 डिग्री सेल्सियस मतलब थोड़ा बड़ा हुआ टेम्परेचर है, तो समर होगी।
ठीक है। इसके साथ साथ देखिए रेनफॉल मेनली कहाँ किस टाइम पर होती है, समर के अंदर होती है जो कि नवंबर टू फरवरी। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर तो नवंबर से लेकर फरवरी तक ठंड रहती है ना, और वहाँ पर देखिए समर रहती है। तो बताया था कि उल्टा इफेक्ट होता है, तो हमारे यहाँ पर समर है तो यहाँ विंटर है, अगर यहाँ पर समर है तो यहाँ पर विंटर है, तो ये अपोजिट होगा। तो देखिए यहाँ पर रेनफॉल मोस्टली किस में होती है, समर सीजन में होती है जो कि नवंबर से लेकर फरवरी में होती है, जबकि हमारी कहाँ कब होती है, जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर में होती है। तो देखिए यहाँ का जो है, यहाँ पर जो इस टाइम पर क्यों होती है, देखिए यहाँ पर जो वार्म ओशियन करंट है उसकी वजह से यहाँ पर जो है मतलब समर के अंदर क्या होती है, बारिश होती है, क्योंकि जो विंड्स होती हैं वो क्या करती है, यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती हैं। देखिए यहाँ से मॉइस्चर कैरी करेंगी, ये ओशियन है, यहाँ से मॉइस्चर कैरी करेंगी तो यहाँ पर जाकर क्या कर देंगी, ये रेनफॉल करेंगी। तो रेनफॉल करेंगी तो इस वजह से यहाँ पर जो है समर के टाइम पर रेनफॉल होता है। विंटर, विंटर के मंथ में, विंटर जो है यहाँ पर जून से लेकर अगस्त में होती है, और उस टाइम पर यहाँ पर जो है ड्रोट होती है, सूखा पड़ता है उस टाइम पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि विंटर के टाइम पर यहाँ पर ड्रोट जैसी सिचुएशन बन जाती है, उस टाइम पर सूखा पड़ता है, और ये जून से लेकर अगस्त के बीच में होता है जिस टाइम पर हमारे यहाँ पर बारिश हो रही होती है, यानी समर का मौसम होता है उस टाइम पर। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरा एंड फ्योना की बात करें तो यहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी स्पार्स होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा नहीं होती, कहीं कहीं पर इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोस्टली वेजिटेशन जो है वो ग्रासेस पाई जाती है, ग्रास पाई जाती है, और कोई वेजिटेशन यहाँ पर मोस्टली नहीं मिलेगी, मतलब ट्रीज़ वगैरह इतने नहीं मिलेंगे, ग्रासेस मिलेंगी। इसके साथ साथ जो रेड ग्रास होती है वो बुशेज के अंदर, झाड़ियों के अंदर मिलती है, जो रेड ग्रास होती है वो झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। इसके साथ साथ जो हाई वेल्ड्स होते हैं, हाई वेल्ड्स मतलब जो ज़्यादा ऊंचे होते हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं, अकाशिया जिसको बबूल भी बोलते हैं, मरोला, तो इस तरीके के दो टाइप के जो है वेल्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से जो एनिमल्स पाए जाते हैं, लॉयन, लेपर्ड्स, चीता और कुड्डू जो है इसके अंदर कुछ एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लेपर्ड्स को, तो ये लेपर्ड है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लोग या तो कैटल रियरिंग करते हैं मतलब पशुपालन करते हैं, या माइनिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, माइंस काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, खान मिलती है। तो देखिए यहाँ पर सोयल जो है ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, फर्टाइल नहीं होगी तो यहाँ पर जो है ऐसी फसल उगाई जाएंगी जो कम फर्टाइल में भी जो है फसलें उग जाती है। देखिए लैंड इज़ वेयर लैंड इज़ फर्टाइल, जहाँ थोड़ी बहुत लैंड फर्टाइल मिल जाती है वहाँ पर कुछ क्रॉप्स उगाई जा सकती है, जैसे मैज, व्हीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो। ओके, तो देखिए यहाँ पर कैश क्रॉप्स भी उगाए जा सकते हैं, कुछ टोबैको और ये सुगर केन और कॉटन, इस तरह की कुछ क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत रेन जो है इनको मिल जाती है, तो वहाँ पर ये, और जहाँ पर थोड़ी बहुत फर्टाइल सोइल होती है तो वहाँ पर ये फसलें जो है उगाई जा सकती हैं। जहाँ पर रेनफॉल कम होता है और जो सोइल जो है वो फर्टाइल नहीं होती, तो वहाँ पर मोस्टली कैटल रियरिंग या माइनिंग की जाती है। देखिए शिप रियरिंग भी यहाँ का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, मतलब लोग क्या करते हैं, शिप वगैरह को पालते हैं, उससे क्या करते हैं, वूल इंडस्ट्री, यानी शिप से क्या मिलेगा, वूल मिलेगी, ऊन मिलेगी, उससे क्या जो वूल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर ग्रो करेंगी। तो इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर स्पीसी का नाम दिया गया है शिप का, इसको बोलते हैं मेरिनो। मेरिनो जो एक तरीके की खास तरीके की शिप होती है जिसकी वूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो इसको जो है यहाँ पर लोग काफ़ी मतलब मेन रूप से इसको जो है शिप रियरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेयरी फार्मिंग भी है, मतलब दूध वगैरह के लिए, दूध उत्पादन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिच रिसोर्स है, मिनरल्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन और स्टील जो है इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोल वगैरह और आयरन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप्ड है। इसके साथ साथ यहाँ पर गोल्ड और डायमंड की माइनिंग भी पाई जा माइनिंग माइन जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं। देखिए जोहान्सबर्ग जो है वो वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड पाया जाता है जो जोहान्सबर्ग है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोल्ड पाया जाता है। इसके बाद जो किम्बरले, ये भी हमारे, ये दोनों जगह जो हमारी साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, जहाँ पर हमने वेल्ड्स देखे हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर नीचे वाले पार्ट में थे, वहीं पर ये मिलती है। तो देखिए जो किम्बरले जो माइंस है ना वो डायमंड के लिए बहुत फेमस है। जोहान्सबर्ग की अगर बात की जाए तो वो गोल्ड गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन अगर किम्बरले की बात की जाए तो वो डायमंड डायमंड माइन के लिए फेमस है। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो है किम्बरले माइन देख सकते हैं, इसके अंदर ही आपको जो है क्या मिलता है, जो हमारे डायमंड्स वगैरह है वो इसके अंदर ही मिलते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।
If you like, if you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.